हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ नेहा, यू आर वाचिंग बिलीव इन थेरेपी। सो आज के इस वीडियो में हम क्रायोथेरेपी का पार्ट फोर्थ लेके आए हैं। क्रायोथेरेपी के इंडिकेशन, क्या क्या इंडिकेशन है क्रायोथेरेपी का, हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिसेंट एक्यूट इंजरी। जब भी कोई एक्यूट इंजरी होती है तो उस एरिया पे हम आइस का यूज करते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आइस का हमें यूज कैसे करना होता है। यदि आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जब भी किसी एरिया पे इंजरी हुई है तो वहाँ पे हम आइस का यूज करेंगे। आइस क्या करेगी, उस एरिया पे जो रेडनेस स्वेलिंग है उसे कम कर देगी। जो भी उस पे इंफ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उस स्किन पे जहाँ पे इंजरी हुई है, तो वहाँ पे जो इंफ्लामेटरी सेल्स होती हैं जिनका वो रिलीज होने लगती हैं, वहाँ पे कुछ मीडिएटर प्रेजेंट होते हैं तो उनका सीक्रेशन को आइस कम कर देती है, जिससे हमें इंजरी जो है वो पेन कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा। सेकेंड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ पेन, जहाँ पेन को रिड्यूस करने में, मैंने लास्ट वीडियो में इस पेन के बारे में डिस्कस किया हुआ है तो हम आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेन को कैसे रिड्यूस करेगा, जो पेन के रिसेप्टर होते हैं वो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, पर आइस क्या करती है, आइस वहाँ पे आइस का यूज करने से जो कोल्ड रिसेप्टर होते हैं ना वो पेन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं और खुद जाके ब्रेन तक सिग्नल को ले जाते हैं, जिससे हमें पेन। थर्ड पॉइंट है हमारा स्पास्टिसिटी, मसल की स्पास्टिसिटी। जब भी कोई जिस एरिया पे इंजरी हुई है उस एरिया पे हमारा मसल स्टोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा मसल स्टोन इंक्रीज हो जाता है तो हमारी मसल्स होती है वो फास्ट कॉन्ट्रेक्शन करने लगेगी और जो हमारी मोटर नर्व कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारी मसल्स बहुत फास्टली कॉन्टैक्ट करेगी तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम जब आइस का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो मोटर नर्व कंडक्टिविटी है वो थोड़ा सा डिक्रीज होने लगेगी। जब कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो हमारी मसल्स होगी वो रिलैक्स हो जाएगी और वहाँ पे रिकवरी बहुत फास्ट होगी। फोर्थ पॉइंट आता है मसल्स स्पाजम। जब भी इस एरिया पे इंजरी हुई है उस एरिया की जो मसल्स होती है वो स्पाजम हो जाती है, तो उस एरिया पे हम आइस का यूज करेंगे तो उससे हमारी स्पाजम मसल्स की वो रिड्यूस हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी से क्या समझते हैं, जब भी जिस एरिया पे इंजरी हुई है उस एरिया के जो मसल्स या टिश्यू हुए हैं वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे लूजनिंग आ जाती है, तो हम वहाँ पे आइस का यूज करेंगे तो फिर से अपनी वो लूजनिंग जो होती है वहाँ पे जिस एरिया पे इंजरी हुई है वो फास्ट रिकवरी हो जाएगी। सिक्स पॉइंट आता है ऑल इन्फ्लामेटरी कंडीशन। कोई भी इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन होती है जैसे जहाँ पे स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मीडिएटर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं उनका वो फास्टली सीक्रेट होने लगते हैं, वहाँ से रिलीज होने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। जब हम आइस का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन हिस्टामिन है उनका रिलीज सीक्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हमारा इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा। सॉरी, सेवन पॉइंट आता है, सेवन पॉइंट है हमारा एडिमा। एडिमा जिस एरिया पे इंजरी हुई है उस एरिया पे हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। उस एरिया पे हम आइस का यूज करेंगे तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हुआ है वो फिर से पंप हो जाता है और एडिमा होता है डिक्रीज हो जाता है। हमारा एट पॉइंट है क्रायो स्ट्रेस। क्रायो स्ट्रेस मतलब होता है, इसमें क्रायो भी है और स्ट्रेस भी है, मतलब कि हम आइस का भी यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रेस मतलब स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई स्पोर्ट इंजरी होती है जिस किसी भी प्लेयर को, तो वहाँ पे पहले तो आइस का यूज़ करते हैं वहाँ के जो पेन और इन्फ्लेमेशन है उसे कम करने के लिए, और फिर से स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, वहाँ पे फास्ट रिकवरी होती है क्योंकि प्लेयर को फिर से दोबारा से फील्ड में जाना होता है, इसलिए जो वहाँ के फिजियो होते हैं वो आइस का यूज़ करेंगे और फिर स्ट्रेचिंग का यूज़ करते हैं। नाइन्थ पॉइंट है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। क्या होता है कि कोई ऐसी कोई भी मसल्स होती है चोट लगने से वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाता है, मसल्स कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती है, पर वहाँ की जो नर्व होती है वो नर्व इंटैक्ट रहती है, तो हम वहाँ पे आइस का यूज़ करके मसल्स को फिर से कॉन्टैक्ट करा सकते हैं। 10th पॉइंट है हमारा क्रोनिक ज्वाइंट इफ्यूजन। क्रोनिक ज्वाइंट इफ्यूजन मतलब का जो भी हमारा ज्वाइंट होता है वहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है,
जब भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हो जाएगा वहाँ के जॉइंट के आसपास या जो टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो हमारे जॉइंट पे स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, थोड़ा पफी लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, और जितने भी हमारे जॉइंट है बॉडी के वहाँ से उनकी कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। तो वहाँ पे हम आइस का यूज़ करेंगे, आइस का यूज़ करने से वहाँ पे जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो पंप हो जाएगा और हमारा ज्वाइंट रिकवर हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ क्रायोथेरेपी। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं क्रायोथेरेपी, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें आइस का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। कोई भी वास्कुलर डिजीज होती है उसमें हमें आइस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा वास्कुलर डिजीज होती है तो हमारी जो वेसल्स होती हैं वो पहले से ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, वहाँ पे हमारा फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट हो जाएगा तो हमारी जो आर्टरी होती है, जो भी आर्टरी होती है वो नैरोइंग हो जाती है। जब हमारी आर्टरी नैरोइंग हो जाएगी तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो हमारे ब्लड हार्ट को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा उसमें पंप पंप करने में और ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिससे हमारा ब्लड वेसल्स पहले से ही नैरोइंग है और हमने आइस का यूज़ कर दिया, तो आइस का काम होता है हमारी ब्लड वेसल्स को वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना, जिससे हमारी वेसल्स और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्स हो जाएंगी, हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, हमारा ब्लड उस एरिया तक नहीं पहुंच पाएगा जिसे ऑर्गन तक जाना है, जिस एरिया तक जाना है ब्लड को। सेकेंड पॉइंट है हमारा कार्डियक डिजीज। कोई भी कार्डियक डिजीज होती है, जैसे कहीं बताया मैंने, जैसे एक हो गया हमारा आर्थियोस्क्लेरोसिस। आर्थियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, फैट कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाती है आर्टरी की ल्यूमिन पे, जिससे नैरोइंग हो जाती है हमारी आर्टरी और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, तो हम आइस वहाँ यूज़ कर देंगे तो और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने से हमारे हमारे जो हार्ट है उसमें और ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, जिससे हमारा ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे सेल डेथ होने के भी चांसेस हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इम्पेयर्ड सेंसेशन। जो हमारी सेंसेशन है वो इम्पेयर हो जाती है, जैसे कि कभी कभी आप देखो हमारा एरिया, हमारा बहुत टाइम से हम बैठे हैं एक ही पोजीशन में, तो हमारा पैर है या हमारा हाथ है वहाँ पे नंबनेस फीलिंग होने लगती है, नंबनेस हो जाती है, क्योंकि वहाँ का सेंसेशन हमारा का जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है। तो हम वहाँ पे आइस का यूज़ कर देंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, आइस से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और पहले से ही ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे नर्व को जो हमारा सेंसेशन है वो इम्पेयर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है रेनॉल्ड डिजीज। रेनॉल्ड डिजीज ये एक रेनॉल्ड डिजीज मतलब कि वैसोस्पास्मोडिक डिजीज हो गई एक टाइप से, वैसोस्पास जो हमारी वेसल्स होती है उसमें स्पाजम्स हो जाता है। क्या होता है कि हमारे जो भी पेरिफेरल होते हैं, जैसे कि हमारा फिंगर हो गया, हमारा टो हो गया, तो उस एरिया पे जैसे ही हमने कोई कंटेनर है आइस का जिसमें 50% आइस है और 50% कोल्ड वाटर है, तो हमने जो हमारी डिजिटल पार्ट है मैंने इसमें डाले, जैसे कि हमारा फिंगर हो गया, टो हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये कोल्ड के एक्सपोजर होते हैं रेनॉल्ड डिजीज में, एक्सपोजर हो जाएंगे जिससे हमारे नेल हमारे स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, हमारा नेल है वो ब्लैक होने लगेंगे, जिससे हमारा सर्कुलेटरी होगा वो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो थोड़ा सा स्टॉप होने लगता है, हमारा ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसे लोगों को हमें कोल्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रीजनरेटिव पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व जब रीजनरेट होते हैं तो हमें आइस का यूज़ नहीं करना है, हमेशा याद रखना है कि हमें आइस यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इंजरी के बाद क्या होता है, जब भी हमारे जो एग्जॉन होते हैं वो सिग्नल को लेके ब्रेन तक पहुँचते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो ये यहाँ पे रीजनरेट हो रहे हैं, जब रीजनरेट होगा तो हमारा जो कोल्ड के रिसेप्टर होते हैं सिग्नल को ब्रेन तक नहीं पहुँचा पाएंगे। सिक्स पॉइंट है कोल्ड यूट्री कैरिया। कोल्ड यूट्री कैरिया मतलब क्या होता है, ये एक
स्किन डिजीज हो जाती है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। जो जो पेशेंट होते हैं वो कोल्ड के एक्सपोजर होते हैं, यानी कि हम उनके कोल्ड की रिएक्शन हो जाती है, उनके स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। हमने कोल्ड यूज़ किया, कुछ टाइम बाद देखा विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स वहाँ पे स्किन पे एलर्जी हो गई, रेडनेस हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्रायोथेरेपी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। 7 पॉइंट है हमारा सेंसरी डिफेक्ट। जब हमारा सेंसरी डिफेक्ट यानी कि सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहे, कोल्ड रिसेप्टर क्या करते हैं, ये हमारे कोई भी पेन के सिग्नल हो गए, नोसी रिसेप्टर, टच का सिग्नल है, टेम्परेचर का सिग्नल होते हैं, हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। जब यही डिफेक्ट होंगे तो हमारी कोल्ड रिसेप्टर कैसे हमारे ब्रेन तक पहुँचेंगे। इसलिए हमें याद हमें चेक करना है पेशेंट की सेंसेशन की, पेशेंट की स्किन सेंसिटिविटी क्या है। स्किन सेंसिटिविटी ही चेक करके ही हमें आइस का यूज़ करना चाहिए। उसे हमें चेक करना चाहिए कि जिसे यह पे इंजरी है, हम वहाँ पे आइस का यूज़ कर रहे हैं, कोई इचिंग बर्निंग या कोल्ड बर्निंग तो नहीं हो रहा है पेशेंट को। यदि ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हमें आइस का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिकॉशन ऑफ क्रायोथेरेपी। क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं क्रायोथेरेपी के। जब भी हम आइस को यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कार्डियक डिजीज। कोई भी कार्डियक डिजीज होती है, जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है, ऐसे उसे कोई हाइपर टेंशन या हाइपोटेंशन है, पेशेंट कार्डियक फेलियर है, या पेशमेकर का यूज़ हुआ है, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें उस पेशेंट को आइस का यूज़ नहीं करना है। आइस का यूज़ इसलिए ही करना है क्योंकि उसका जो ब्लड फ्लो है बॉडी में वो पहले से ही डिक्रीज है, उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो पहले से ही नैरोइंग है। हम उस पर आइस का यूज़ करेंगे तो हमारा जो आइस का काम होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना, तो उसकी ब्लड वेसल्स है वो और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिससे हमारे उसके हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिससे कार्डिक फेलियर के चांसेस हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है हाइपर टेंशन। वही कि जिस कोई पेशेंट है उसका बीपी हाई रह रहा है तो हमें उसका आइस यूज़ नहीं करना है कि उसके हार्ट पे और ज़्यादा लोड पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है थिक सबक्यूटेनियस फैट। कोई पेशेंट जो बल्कि पेशेंट है आपके पास आ रहा है तो उसे आपको आइस यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में फैट है, फैट प्रेजेंट है, तो उसकी ब्लड वेसल्स है वो पहले से ही कॉन्स्ट्रिक्ट है, और हम आइस यूज़ करें तो और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल अनस्टेबल पेशेंट। कोई भी आपके पास पेशेंट आ रहा है वो साइकोलॉजिकल अनस्टेबल है, यानी कि थोड़ा सा जैसे कि हमारे चिल्ड्रंस हो गए, ओल्ड एज पेशेंट है, या कोई साइकोलॉजिकली मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उससे आइस का यूज़ करते टाइम प्रिकॉशन रखने चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी चेक करनी चाहिए, बॉडी को चेक करना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा स्किन सेंसिटिविटी। हमें स्किन की सेंसिटिविटी देखनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पेशेंट हमारे पास आया वो कोल्ड का एक्सपोजर हो, उसे बर्निंग जैसे इचिंग हो जाए, स्किन पर रेडनेस आए। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप क्रायोथेरेपी का यूज़ करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।